नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य का चेंज हो रहा है लिब्रा में, उसका सबके लग्नों पर क्या असर पड़ेगा। आज हम बनाएंगे पार्ट वन, कल हम बनाएंगे पार्ट टू। आइए सुमित, पहले एक बार आप डेट बता दो, फिर मैं आता हूँ। कब से कब तक है? डेट है 17 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा लिब्रा का चेंज हो रहा है, लिब्रा का चेंज, ये सन का चेंज हो रहा है, डेब्यूटेटेड हो रहा है लिब्रा में, 7 नंबर राशि में, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। आज हम बना रहे हैं पार्ट वन, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक, और कल हम बनाएंगे पार्ट टू, उसमें हम डिस्कस करेंगे लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक, और रेमेडीज भी हम कल ही बताएंगे। और ये हमारे इंडिया के टॉरस वृषभ लगन कुंडली है, जो कि हम हमेशा बताते हैं 2 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है, उससे आप हमारी प्रिडिक्शंस मैच कर सकते हैं, हमारी मून साइन से नहीं होती। वन नंबर सन फ्रॉम लिब्रा विल एस्पेक्ट मेष, सन सूर्य जो है लिब्रा से देखेगा मेष को वन नंबर को। सन अंडर राहु एंड शनि एस्पेक्ट, सूर्य राहु और शनि के एस्पेक्ट में रहेगा। सन गेट्स नीच भंग राजयोग ड्यू टू वीनस, मतलब सूर्य को नीच भंग राजयोग मिलेगा शुक्र की वजह से, कि उसकी नीचता कम हो जाएगी, जो हम लोग बहुत लोग डरते हैं। पीपल विद हार्ट बोन्स ब्रेन आईज एटसेट्रा इश्यूज नीड टू स्टे वेरी केयरफुल, जिनको ये सब इश्यूज है हार्ट के, बोन के, ब्रेन के, आईज के, उनको सबको केयरफुल रहना है। और मंगल हमारा रेट्रो हो रहा है 30 अक्टूबर से लेकर 13 जनवरी तक 2023, इसकी हम वीडियो अलग से बनाएंगे। हाँ, और सूर्य का इसके बारे में आपको बताया भी था अपनी मंगल की वीडियो में, कि मंगल कब से कब रेट्रो रहेगा। हाँ। और सूर्य का एक ही एस्पेक्ट होता है 7th 180 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आ रहा है, तो यहाँ पे देखेगा ये। हाँ। दोस्तों अब एक बात बताऊँ दोस्तों, आपको कई बार बता दोस्तों, सूर्य ग्रहों का राजा होता है, सूर्य को लाइफ का प्रकाश कहा जाता है। तो प्रकाश सिग्निफाई करता है आपके लाइफ को, आपकी एज को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके मोटिवेशन को। दोस्तों शनि डिनोट करता है अंधकार को, अंधकार डिनोट करता है दोस्तों, सिग्निफाई करता है डिप्रेशन को, अंधकार डिनोट करता है आपकी सैडनेस को, आपकी होपलेसनेस को, सूर्य दोस्तों डिनोट करता है होपफुलनेस को। दोस्तों सूर्य रोज डूबता है, रोज निकलता है, रोज डूबता है, और दोस्तों कई करोड़ों साल से ऐसा, और कई करोड़ों साल तक दोस्तों ऐसा चलने वाला, आगे हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन सूर्य दोस्तों रहेगा ये वाला। दोस्तों ऐसे क्या बात मिली कि फेलियर भी होता है, लेकिन सूर्य फिर से दोस्तों खड़ा हो जाता है, फिर से प्रकाश फैलाता है, फिर से लाइफ देता है प्लांट्स को, लाइफ प्रकृति को, लाइफ हमें। दोस्तों बिना सूर्य के लाइफ इम्पॉसिबल है, इस तरह बिना सूर्य के दोस्तों लाइफ इम्पॉसिबल है, बिना सूर्य के दोस्तों प्रकाश इम्पॉसिबल है। दोस्तों उसी तरीके से हमारी अगर बॉडी की बात करें, बिना ब्रेन के दोस्तों हमारी लाइफ, हमारी एज इम्पॉसिबल है, बिना हार्ट के हमारी एज इम्पॉसिबल, हमारी इंस्टेंट हमारी डेथ हो जाएगी। हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेलियर आ गया, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, दोस्तों इमीडिएटली हमारी डेथ हो जाएगी। तो यानी कि सूर्य डिनोट करते हैं लाइफ को, दोस्तों सूर्य डिनोट करते हैं आँखों को, सूर्य होता है प्रकाश, और अगर हमें प्रकाश देखना, हमें लाइट देखनी है, तो हमें आँखें चाहिए होंगी दोस्तों। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की आँखें नहीं होती, जो ब्लाइंड होते हैं या पार्शल ब्लाइंड होते हैं या पूरे ब्लाइंड होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से तो खैर दोस्तों दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, उनको सिर्फ अंधकार नज़र आता है। तो सूर्य डिनोट करता है दोस्तों प्रकाश को। तो जिनकी कुंडली के अंदर भी दोस्तों सूर्य वीक होगा, या जिनको जिनको कुंडली में सूर्य शनि के साथ होगा, सूर्य राहु के साथ होगा, 6 से 12 में होगा, क्रूअल एस्पेक्ट के अंदर होगा, दोस्तों नॉर्मली उनको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं दोस्तों, जिसमें आप मान के चल सकते हो दोस्तों ब्रेन का इशू आ जाता है, आंखें मैंने बताया आपको, बोन्स दोस्तों हड्डियाँ, सूर्य डिनोट करता है कंकाल को, आपके बैक बोन को, उनको बोन्स के इशूज होंगे, विटामिन डी की दोस्तों बॉडी में कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, और दोस्तों हार्ट को। तो वो सभी लोग दोस्तों जिनकी हिस्ट्री है, या जिनके घर में उनके पापा को, उनके दादाजी को हिस्ट्री रह चुकी है उन सब चीज़ों की, उनके लिए जो एक महीना जो आने वाले दोस्तों बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, या नेगेटिव नहीं कहूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे सूर्य जो होगा दोस्तों शनि और राहु के एस्पेक्ट में रहा, देखिए दोस्तों एक तो सूर्य आ गया आपका केतु के साथ, जो इंस्टेंट चोट देकर चलते हैं, सामने से दोस्तों राहु आ गया जो इमीडिएट आपको इन्फेक्शन देकर जाता है दोस्तों, हार्ट डिजीज़ इमीडिएटली आती है। अभी आपने दोस्तों कई वीडियोज़ देखी हुई होंगी पिछले सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा वायरल है, कोई हनुमान जी का रोल कर रहा है रामलीला के अंदर, रोल करते करते कार्डियक अरेस्ट आया, इंसान गिरा, डेथ हो गई। अभी दोस्तों गुजरात में आया था 21 साल का एक लड़का, गरबा में डांस कर रहा था, अचानक से दोस्तों कार्डियक अरेस्ट आया, खत्म हो गया, डेथ। अभी 35 से 40 साल का एक इंसान दोस्तों डांस कर रहा था शादी पे, हार्ट अटैक आया, वहीं पे दोस्तों खेल खत्म। तो राहु जब दोस्तों लेकर आता है, हार्ट अटैक लेकर आता है, वो इमीडिएटली लेकर आता है, विदाउट वार्निंग लेकर आता है। आपने लाइफ लॉन्ग कभी कोई एडिक्शन नहीं था, आपने कभी वाइन यूज़ नहीं करी, कभी आपने स्मोकिंग नहीं करी, बट आपको मान चला कि आपके जितने भी अंदर सब कुछ ब्लॉकेज हो चुके हैं, तो ये बहुत घातक रूप हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे सूर्य ना सिर्फ नीच का है,
केतु के साथ चोट भी देने का काम करते हैं दोस्तों, चोट से बच के चलने राहु भी इन्वॉल्व होगा, और दोस्तों शनि जो किसी बीमारी को बिल्कुल निचले लेवल पे लेके जाते हैं, बहुत लंबा करके जाते हैं, पेनफुल करके जाते हैं, तो ये सभी लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा अपना ध्यान में रखें। जो उनको हड्डियों की दिक्कत है, उनको आर्थराइटिस की दिक्कत है, उनका बहुत ज़्यादा समझदारी वाला काम चलने वाला है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पर राहु शनि का भी एस्पेक्ट आ जाएगा। दोस्तों सूर्य अब जिस तरह से लिब्रा में आएगा, तो लिब्रा से दोस्तों जैसे बताया प्रतिभा ने आपको, एक एस्पेक्ट होगा सेवन, वो देखेगा दोस्तों मेष राशि को, क्योंकि मेष राशि में राहु भी है दोस्तों। और एक अच्छी बात कर दोस्तों, 18th को, अब इसके दोस्तों हमने वीडियो बनानी है अभी 18th अक्टूबर को दोस्तों, ये चेंज हमारे 17 अक्टूबर को, 18th अक्टूबर को दोस्तों शुक्र का चेंज है तुला के अंदर दोस्तों, अपने ही साइन के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही वीनस यहाँ पे मूव कर जाएगा 18th को, तो अपनी ही राशि में आने सूर्य के साथ हो रहे, सूर्य क्योंकि यहाँ पे नीच का है, तो दोस्तों सूर्य को मिल जाएगा यहाँ से नीच भंग, और सूर्य को दोस्तों नीच भंग मिलते फिनेंशियली बहुत अच्छा हो जाएगा। जिनकी जॉब नहीं लग रही, जिनको जॉब में इशूज़ हैं, जो पॉलिटिक्स हैं दोस्तों, उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो दोस्तों प्लैनेट नीच का है, राहु के इम्पैक्ट में है, शनि के इम्पैक्ट में, केतु का कंजंक्शन है, हेल्थ में दोस्तों इश्यूज़ क्रिएट करेगा ही करेगा। तो हेल्थ वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे हमें बहुत समझदारी के साथ निकल रहे हैं। और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 30 अक्टूबर को, यानी कि 13 दिन बाद जब ये चेंज होगा, मंगल भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो चोट लगने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों मेरी मंगल की वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने सब कुछ क्लियरली बताया था कि किस किस को कहाँ कहाँ चोट लग सकती है। तो ये जो महीना दोस्तों ये समझदारी, एक आखिरी बात और बता दूँ प्रतिभा से पहले आपको, दोस्तों सूर्य जो होता है दोस्तों वो डिनोट करता है लीगल को, या दोस्तों कह सकते हो आप सरकार को। तो दोस्तों जिनको लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या जिनको सरकार के साथ दोस्तों इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी केस चल रहा है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, कोई अगर आप पे करप्शन का चार्ज चल रहा है, कुछ भी ऐसा चार्ज चल रहा है, तो ये जो टाइम है दोस्तों, ये टाइम हमें बहुत बचा के चलना है, बहुत समझदारी के साथ। कोई हमने गलत काम नहीं करना, अपने कर्मों पे ध्यान देना है। स्पेशली दोस्तों हम अगर बात करें स्कॉर्पियंस की, वो दोस्तों हमारी कल की वीडियो बताऊंगा मैं आपको, उनका 10th का लॉर्ड बनते हैं सूर्य कर्म स्थान का, तो वो हमें ध्यान में देखे चले कि वहाँ पे इश्यूज़ ना हो हमारे साथ। तो ये लीगल इश्यूज़ भी आपको आ सकते हैं, ये हार्ट के इश्यूज़ भी आ सकते हैं, हाँ फाइनेंशियली पार्ट ठीक रहने वाला, बिकॉज नीच भंग मिल जाएगा यहाँ से। चलिए ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए, अब हम सीधा राशियों पे आ जाते हैं, लग्नों पे। नंबर वन एरीज, मेष राशि, 5th का लॉर्ड है, 7th में प्लेस्ड है, 1st हाउस को देखेगा 7th हाउस के, तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों एरीज वाले जो है, यानी कि मेष राशि दोस्तों, 16 तारीख को इनका मंगल का चेंज होगा, इनके लॉर्ड का, इसकी वीडियो है हमारी, इसको देखिएगा। और दोस्तों मंगल इनका 3rd हाउस में आ रहा है, तो इनको तो बहुत बेनिफिट वहाँ से मिल जाएगा, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा इनका। और सूर्य दोस्तों इनकी कुंडली बनता है 5th का लॉर्ड। अब आप नोटिस करेंगे दोस्तों, सूर्य जैसा प्लैनेट जो ग्रहों का राजा है, जो आपके शार्प माइंड को डिनोट करता है, आपकी आंखों की तेजी को डिनोट करता है, आपकी आपकी पर्सनैलिटी को डिनोट करता है दोस्तों सूर्य, क्योंकि राजा है, सिंह राशि कही जाती है इसकी, सिंह माने के शेर। तो जिनका सूर्य दोस्तों स्ट्रांग होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो जाती है। हाइट दोस्तों 5'11" 5'12" मतलब 6 फीट के आसपास हाइट हो जाती है, आंखें बहुत तेज हो जाती हैं, चेहरे में दोस्तों एक रोब होता है, ऐसे शेर के रोब होता है दोस्तों, ऐसे आपके चेहरे में, आपके डील डॉल में आपकी चाल बहुत शानदार हो जाती है। तो एरीज वाला का जो मेन जो एक कायदे से अगर हम लोग देखें, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, इनकी पर्सनैलिटी बहुत सूदिंग हो जाती है, बिकॉज मंगल भी जिम को डिनोट करता है, सूर्य दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 5th को डिनोट करता है, 5th हाउस पॉजिटिव हाउस है, पर्सनैलिटी सूदिंग, और माइंड के दोस्तों ऐसे लोग बड़े शार्प होते हैं, बिकॉज 5th हाउस पॉजिटिविटी, और सूर्य दोस्तों होते हैं पॉजिटिविटी के लिए। अब दोस्तों 5th का लॉर्ड 7th हाउस में, अब दोस्तों अमूमन क्या होना चाहिए था कि 5th का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आएगा, ये बहुत बड़ा योग बन जाता है कि 5th हो गया आपका त्रिकोण और 7th हो गया आपका केंद्र। दोस्तों लक इंटू लक बिकम्स डबल लक, यहाँ से लक बहुत तेज़ी से बढ़ता है, पार्टनर से लक बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है, यहाँ से आपकी दोस्तों पढ़ाई लिखाई बहुत तेज़ी के साथ हो जाती है। और क्योंकि सूर्य आपके 7th हाउस में आएगा दोस्तों, आपके 1st हाउस को देखेगा, पॉजिटिविटी सारी आपके अंदर आ जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, डिजीज़ कम हो जाती है, समाज में आपको रुतबा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब है क्या चक्कर, यहाँ पे सूर्य नीच का है दोस्तों, पॉजिटिविटी मिलेगी अपने को सारी, बिकॉज नीच भंग मिल जाएगा 18 तारीख से, पैसा आ जाएगा आपका, आपके पार्टनर से आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, बिकॉज 7th हाउस पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप बिजनेस से आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन मेल्स को कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम कहें जो एरिया पेनिस के अराउंड का जो एरिया होता है वहाँ पे दिक्कत थी, प्रोस्टेट ग्लैंड के इशूज़ हैं, यूरिन में इशूज़ हैं, उनको यहाँ पर दोस्तों परेशानी बढ़ेगी। जिन लेडीज़ को दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मंथली सर्कल्स में इशूज़ थे, अगर आप मानकर चल सकते हैं कि आपके यूट्रस में इशूज़ थे, प्रेगनेंसी में इशूज़ आ रहे थे, आप बार बार ट्राई करने के बाद भी आपका IVF या IVF फेल हो रहा था, वो अभी इशूज़ चलने वाले हैं यहाँ पे, वो चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पे होंगी। ये जो पार्ट बनेगा, ये नीचे वाला जो पार्ट है वो परेशान करके चलेगा, पाइल्स के इशूज़, यूरिन में इशूज़। और दोस्तों कितनी बार यूरिन पास कर तो जो इरिटेशन होती है, या कई बार जलन भी होती है, तो जिनको इशूज़ हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा बरकरार रहने वाले, उस पर बहुत ध्यान में देकर चलना, बिकॉज शनि भी यहाँ पे है दोस्तों बीमारी को लंबा करने वाला, सूर्य गर्म प्लैनेट है और राहु इन्फेक्शन का प्लैनेट है, और दोस्तों केतु, और जिनकी सर्जरी दोस्तों ड्यू चल रही है बॉडी के लोअर पार्ट की, वो सर्जरी के यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे, हमें बहुत ध्यान में देकर चलना है। और क्योंकि यहाँ पे ये सारा कॉम्बिनेशन दोस्तों आपका 1st हाउस को देखेगा,
आपके सेल्फ वाले हाउस को, तो आपका जो सर वाला जो पार्ट है वो भी लपेटे में आने की वजह से सर पे चोट लगने के चांसेस बन सकते हैं। दिवाली है, जरा सर को बचा के चलें, आग से बचा के चलें, ये थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकती है। बट फॉर फिनेंस, फॉर एनर्जी लेवल्स, फॉर लक, ये कोई टेंशन नज़र नहीं आती मुझे, बिकॉज यहाँ पे मंगल आपका काफ़ी स्ट्रांग, गुरु आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग, और आपका 23 को शनि भी आपका 10th हाउस में इतना स्ट्रांग हो जाएगा, तो प्रोफेशनल भी इशूज़ नहीं। मुझे यहाँ पे हल्का सा डर लगता है आपके पार्टनर के लिए और आपके अपनी छोटी सी हेल्थ के लिए, मिडल हेल्थ, मिडल बॉडी की या लोअर बॉडी के लिए। बट बिजनेस के लिए अगर हम लोग बात करें और फाइनेंस के लिए बात करें, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लव मैरिज के यहाँ पे चांसेस बनते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे सूर्य आ गया आपका 7th हाउस के अंदर, तो थोड़ी सी चीज़ें डिले हो सकती हैं, ख़त्म नहीं होती, डिले हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो कम बोलिए अपने पार्टनर के साथ जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है, तो थोड़ा मतलब फ़ायदे में रहेंगे आप, फालतू मत बोलिए आप। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड नंबर, टॉरस वृषभ। एरीज का आपने बता दिया, इनको प्रिकॉशंस लेनी है अपनी लोअर बॉडी और मिडल बॉडी की। बिल्कुल। और जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर वो लेडीज अवॉइड कर सकती है तो एक महीना अवॉइड कर लीजिए, और अगर जो कंसीव कर चुकी हैं तो वो अपना ज्यादा ध्यान रखें, अच्छी डाइट। दोस्तों इसमें क्या है, जो लोग, जो लेडीज कंसीव कर चुकी है ना, उनको अपना यहाँ पे डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान में देकर चलना है, अगर डॉक्टर परमिट करता हो। सूर्य क्योंकि डिनोट करता है अनार को, अनार जूस के लिए डॉक्टर परमिट करता हूँ, अनार खाने के लिए डॉक्टर परमिट करता हूँ, मतलब बेसिकली आयरन रिच डाइट वो ज़्यादा। और एक आखिरी बात बता दूँ, गर्ल्स को ज़्यादा जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ पे इतना गर्मी यहाँ पे आ जाएगी और ये गर्मी आपके फर्स्ट हाउस को देखेगी, तो बालों की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज़ यहाँ अपना ध्यान रखें, हाइड्रेटेड रखें अपने बालों को, तो फायदा मिलेगा, वरना यहाँ पे ब्यूटी पे इफेक्ट आ जाता है थोड़ा सा। चलिए सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, फोर्थ का लॉर्ड है, 6th में प्लेस्ड है, नंबर 12th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों शुक्र की अगर हम लोग बात करें, टॉरस की बात करें, शुक्र की बात करें, दोस्तों यहाँ पे इनका अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, और अब तो जब शुक्र भी यहाँ पे इनका अपनी राशि में आ जाएगा दोस्तों 18 को, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। शनि यहाँ पे अगर आ गए दोस्तों, चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। तो लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सूर्य जो बनता है दोस्तों, 4th का लॉर्ड बनता है, अब समझ के चलिए इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है, वो तो 4th हाउस मदर को डिनोट करता है, इसकी प्लेसमेंट दोस्तों आ गई 6th हाउस के अंदर। तो 4th का लॉर्ड जब 6th में जाएगा तो 4th हाउस के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, यानी कि मदर हाउस में नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो 4th का लॉर्ड जब 6th में जा रहा है, ना सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करके जा रहा है, बल्कि वहाँ पे नीच का भी हो रहा है, शनि भी आ गया, राहु भी आ गया, तो मदर के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, मदर यहाँ पे चोट खा जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, उनको चोट लग जाती है, उनके घुटने में चोट आ जाती है, और क्योंकि मदर का 3rd हाउस बनता है, तो मदर की बाजू पे, मदर की कोहनी पे या थ्रोट पे पीछे के चोट वोट लगने के चांसेस बन जाते हैं, और क्योंकि केतु भी है तो छोटी मोटी चोट आने की वजह से वहाँ पे पट्टी बन जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा फ्रैक्चर आ जाता है। तो ये जो टाइम है दोस्तों मदर के लिए बड़ा दिमाग मतलब हिलाने वाला टाइम है। हाँ इस समय एक अच्छा हो सकता है दोस्तों, 6th हाउस आपके मामा जी का, तो यहाँ पे आपको अपने माम के मतलब माम का पक्ष, नान के पक्ष से आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपके मामा जी से या आपके मासी जी से, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है, बिकॉज 6th हाउस मामा जी का होता है आपका। लेकिन अब दोस्तों 6th हाउस में जैसे ही आगे 4th का लॉर्ड, दोस्तों 4th हो गया अपनी प्रॉपर्टी का, अपने घर का, 6th हाउस हो गया ट्रैवलिंग का, दोस्तों बाहर भेजता है अपने 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 घर से दूर भेजता है, तो मे भी आपकी ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स, दिवाली के टाइम पे, दिवाली के बाद पे आपको बाहर जाना पड़े, अब चाहे भैया दूज के लिए जाना पड़े, किसी भी काम के लिए जाना पड़े, कुछ प्लान हो, तो यहाँ पे आपकी ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स, इसका हमें ध्यान में देखा जाना कि ट्रैवलिंग होनी ही होनी है। और दोस्तों अब क्योंकि 6th हाउस में सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, राहु शनि भी आ गया, तो जिनको इंटेस्टाइन के इशूज़ है, जिनको वीट एलर्जी है, जिनको इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में दिक्कत है, यहाँ पे लीवर में, किडनी में दिक्कत है, स्टोन के इशूज़ रहते हैं, उनके यहाँ से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो अपनी डाइट पे पूरा ध्यान में रखें, बिकॉज 6th हाउस आपका हर तरीके से लपेटे में आ चुका है, यहाँ पे गर्मी बढ़ने की वजह से यहाँ पे अचानक से आपको दर्द भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पेट का ध्यान में रखें, अपने इंटेस्टाइन का ध्यान में रखें, अपनी किडनी का ध्यान में रखें, और अगर आपको किसी भी तरीके से वाइन में आप ज़्यादा, अल्कोहल में ज़्यादा है, तो इस समय जो आप वाइन का इंटेक करेंगे वो आपकी किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, और क्योंकि यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन आपके 12th हाउस को देख रहा है, तो हो सकता है आपकी हेल्थ पे खर्चा हो जाए, तो आपको जो अनवांटेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएं। बट 12th पे इतनी नेगेटिविटी जाने की वजह से 12th की नेगेटिविटी कम होती है, और ये आपको कहीं ना कहीं फॉरेन में भेज देती है। तो खर्चे हैं, अब खर्चे अच्छे करने हैं बुरे करने हैं वो आपके अपने लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। चलिए टॉरस का भी हो गया, अब हम आते हैं 3rd नंबर जेमिनाई, मिथुन की राशि, 3rd का लॉर्ड है, 5th में प्लेस है, 11th हाउस को देखेगा 7th एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? दोस्तों जेमिनाई यानी मिथुन, मिथुन यानी बुध के राशि, और दोस्तों अभी 26 तक बुध अपनी ही राशि में है, तो बल्ले बल्ले कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों बुध मूव करेगा 26 को, 26 को बुध मूव करके या मर्क्यूरी की जो मूवमेंट है अपने अगले साइन यानी कि लिब्रा के अंदर है, तुला के अंदर, जहाँ पे ऑलरेडी शुक्र और सूर्य है, तो वो टाइम तो इनका दोस्तों और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पे जेमिनी, हम अलग से बनाएंगे वीडियो, वो अभी 26 हाँ उसकी वीडियो तो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जेमिनी में अगर आप देखेंगे बुध सूर्य बनता है 3rd का लॉर्ड,
थर्ड सेल्फ को डिनोट करता है, सूर्य सेल्फ को डिनोट करता है, पावर को डिनोट करता है। तो ऐसे में दोस्तों जो सूर्य जो बनता है दोस्तों इनके लिए बहुत बड़ा प्लैनेट बन जाता है। आपकी सेल्फ की पावर को डिनोट करता है, आपकी ट्रेवलिंग को डिनोट करता है, आपके सिबलिंग्स को डिनोट करता है, और क्योंकि सूर्य मेल प्लैनेट है तो आपके भाई को डिनोट करता है, आपके छोटे भाई को डिनोट करके जाता है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर सूर्य आपका वीक हो, शनि के एस्पेक्ट में हो, सूर्य नीच का हो, तो आपके छोटे भाई का सुख नहीं मिलता, सिस्टर होगी आपकी, भाई नहीं होता, आपका बायोलॉजिकल भाई नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर अगर हमें देखना सूर्य की वो क्या है, पावर कितनी है, अगर सूर्य यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो आपको भाई बहन है दोस्तों, आपके भाई भी होंगे, बहन भी होंगी, और आपको बड़ा प्यार मोहब्बत रहती है उनके अंदर। अब दोस्तों थर्ड में अगर सूर्य है, थर्ड का लॉर्ड है, और ये आ गया फिफ्थ हाउस में, अब ये आप भी गौर से सुन लेना, थर्ड का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आ गया तो पेट की समस्या यहाँ से बढ़ सकती है, बिकॉज थर्ड थोड़ा सा नेगेटिव हाउस, फिफ्थ में आकर राहू भी आ गया दोस्तों, और फिफ्थ में आकर शनि भी आ गया, तो पेट के अंदर समस्या हो जाती है, लाइफ स्टाइल बदलना पड़ता है, पानी खूब पीना पड़ता है, पानी यहाँ पे हम जो जितना पियेंगे उतनी पेट में आग जो होती है, जो गर्मी होती है उसको शांति मिलती है, और यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, स्पेशली उन लेडीज़ को जिनको ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, उन लेडीज़ को जिनको प्रेगनेंसी के इशूज़ रहते हैं, उन लेडीज़ को जो उनका टाइम ऑलमोस्ट अब डिलीवरी का आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर चलना है, बिकॉज ये सब नेगेटिविटी फिफ्थ हाउस में आते ही आपके स्टमक के अंदर कहते हैं दंगल करवा देगी। तो वो हमें ध्यान में देकर चलना है, बच्चों को हमें ध्यान में देकर चलना है कि फिफ्थ हाउस बच्चों का भी होता है, और क्योंकि ये सारा कॉम्बिनेशन 11th हाउस को देखें और यहाँ पे नीच भंग मिलने से तो बेनिफिट तो हमें मिल जाएगा, पैसे तो आ जाएंगे बिकॉज सूर्य को नीच भंग मिला, बट पेट का समस्या क्रिएट कर सकता है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान में देना। और एक आखिरी बात, फिफ्थ हाउस बनते हैं फोर्थ का सेकंड, यानी कि मदर की आईज, तो यहाँ पे मदर की जो आईज है या खासकर राइट आई है मदर की, ENT के इशूज़ हैं, ईयर है, तो मदर का हमें ध्यान में देखा चले कि उनको आँखों की दिक्कत ना हो, कानों की दिक्कत ना हो। बट फॉर मनी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज सूर्य को यहाँ पर नीच भंग मिला, नीच भंग मिलते तो थर्ड हाउस आपका एक्टिवेट हुआ, ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड, और बेनिफिशियल ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड। और क्योंकि 11th हाउस पे हम लोग देख रहे हैं सूर्य को नीच भंग मिलने से 11th हाउस सूर्य की उच्च की राशि बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट है, तो उच्च की राशि में सूर्य का देना दोस्तों, कोई भी नीच का प्लैनेट अपने अपना जो उसकी दृष्टि होगी अपने उच्च की राशि पर जाएगी ही जाएगी, और वहाँ पे उस चीज़ का फायदा मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे उच्च की राशि 11th हाउस में गेंद समय मिल जाएंगे यहाँ पे, और क्योंकि मंगल भी वेल प्लेस है तो गेंद यहाँ पे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मंगल की राशि है। चलिए जेमिनाई वालों को बस अपना स्टमक का ध्यान करना बहुत ज़्यादा, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज को, बिल्कुल, बाकी ऑल ओवर इनके लिए फाइनेंस के लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए फोर नंबर कैंसर, सेकंड का लॉर्ड है, फोर्थ में प्लेस्ड है, अपने 10th हाउस को देखेगा 7th हाउस पे से। मैं एक चीज छोटी और बता दूं, देखो जेमिनी वालों को तो शायद कोई बताएगा नहीं आपको इतनी डिटेल में, आपको बात और बता दूं कि राहु होता है इन्फेक्शन, सूर्य होता है इम्यूनिटी, और जो शनि होता है वो डिनोट करता है आपके मोशन को, आपके पॉटी को। तो इसमें दोस्तों क्या है, जब इतनी गर्मी पेट में हो जाएगी और आपने कुछ गलत खा लिया तो लूज मोशन होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान में रखें कि यहाँ पे आपको लूज मोशन के इशूज़ नहीं, फिनेंशियली फिर क्या हो सब कुछ ठीक है, लेकिन पेट से रिलेटेड इशूज़ आपको कहीं ना कहीं वीकनेस लेकर आ सकते हैं, आपको डिहाइड्रेटेड कर सकते हैं बार बार मोशन जाने से। तो पानी खूपिए, ग्लूकॉन डी लें, जो भी लें आपको सूट करता हूँ। अभी आपने कैंसर पूछा ना, दोस्तों कैंसर यानी कि कर्क, कर्क यानी कि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा यानी कि दोस्तों रानी, सूर्य राजा, चंद्रमा की राशि रानी होगी, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों रानी के लिए हमेशा राजा अच्छा ही सोचेगा, कभी बुरा नहीं सोचेगा अपनी रानी से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लॉर्डशिप कितनी अच्छी मिली है सूर्य को, सूर्य को लॉर्डशिप मिल गई दोस्तों सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है दोस्तों, वेल्थ को डिनोट करता है, सेविंग्स को डिनोट करता है, परिवार को डिनोट करता है, आपकी आईज को डिनोट करता है। 10th का 5th हाउस बनने से आपका प्रोफेशन लक को डिनोट करता है, 11th का 4th हाउस बनने से आपके गेंस और आपके लॉकर को, मतलब जो भी गेंस होंगे उसका लॉकर ही बन जाता है दोस्तों। तो जितने गेंस होंगे उस गेंस को दोस्तों, आप कई बार क्या होता है आपने पैसा तो बहुत कमाया लेकिन अल्टीमेटली हुआ कि आपके आखिर में आकर देखा आपकी सेविंग ना के बराबर थी दोस्तों। हम अगर बॉलीवुड की बात करें, पुराने एक्टर्स की बात, आजकल के दोस्तों एक्टर्स से बहुत समझ आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है, पुराने टाइम के दोस्तों जो एक्टर्स थे अगर आपने पढ़ा भी होगा कितनी गरीबी में उनकी डेथ हुई थी, इतना उन्होंने कमाया दोस्तों, भगवान दादा थे, सुनने में ऐसा आया था कि उनका गाड़ियाँ की गाड़ियाँ, बंगलों के बंगलों थे दोस्तों एक टाइम पे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो एक पैसा भी नहीं था। तो इसी तरह दोस्तों कई एक्टर्स थे, तो होता कि आपने गेंस तो कर लिए लेकिन आपने सेविंग्स नहीं करी। अब सूर्य क्योंकि यहाँ पे सेकंड का लॉर्ड बनता है, सूर्य हल्का सा भी स्ट्रांग होगा कर्क वालों के लिए, तो गेंस का फोर्थ हाउस बनने से उनका जो गेंस होंगे इन्वेस्टमेंट भी उनके साथ साथ चलते हैं, वो पैसा वेस्ट नहीं करते, बड़े समझदारी के साथ काम करते हैं। तो हमने सूर्य के प्लेसमेंट देखे कहाँ पे, सूर्य के लॉर्डशिप देखे, तो आपको समझ में आ जाएगा आपके गेंस कितने हैं और आपके इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रोपोर्शनेट में है कि प्रोपोर्शनेट में नहीं है। दोस्तों सेकंड इन फोर्थ बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों, सेविंग्स इन फोर्थ यानी कि सेविंग्स आप कर रहे होंगे लैंड के अंदर ज़्यादा सेविंग, क्योंकि फोर्थ हाउस लैंड का होता है दोस्तों। ऐसे लोग गेंस करते हैं, गेंस को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करते हैं उसे लैंड के अंदर। तो चीज़ों को देखो रिलेट करके चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपनी कुंडली से, अपनी लाइफ से। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर सारा गेंद कर, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों यहाँ पे, कि ये वाला जो पार्ट है ये हो गया मदर का पार्ट, यहाँ पे राहु भी आ गया, शनि भी आ गया, ठीक है, नीच भंग मिला, आपने लैंड परचेज कर लिया, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया, गेंस बढ़ेंगे आपके, आपने गाड़ी ले लिया, धनतेरस आ गया, आपने धनतेरस पे गाड़ी ले ली, गोल्ड कॉइन ले लिया, गोल्ड बार ले ली, ज्वेलरी ले ली, वो सब बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों इमोशनली ये फैक्टर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा मदर के लिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, मदर की तबीयत के लिए नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ये सारा तामझाम दोस्तों जो है
मदर के फर्स्ट हाउस में, मदर के सेल्फ हाउस में चल रहा है। तो मदर के सेल्फ हाउस में यानी कि मदर को, अगर आपकी मदर को डिप्रेशन के इशूज़ हैं तो वो डिप्रेशन में ज़्यादा जा सकती हैं। ऑलरेडी बेड डिडर हैं तो हो सकता है उनकी शुशु पॉटी बेड में हो जाए। तो ये ध्यान में देखकर चलना कि एक महीना जो है ये वाला ये मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बट यस, फाइनेंशियली मुझे इशूज़ नज़र नहीं आते। और दोस्तों क्योंकि फोर्थ से हमारे टेंथ हाउस पर इफेक्ट जाएगा, तो टेंथ हाउस यानी कि प्रोफेशन तेजी के साथ ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर निज भंग मिला, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से आपका प्रोफेशन बेटर हो। गोडाउन परचेज करना चाहते हैं, माल डालना चाहते हैं, जो लोग स्क्रैप के बिजनेस में है, फुटवेयर के बिजनेस में, कोई शनि इन्वॉल्व हो गया फुटवेयर में है, चप्पल के बिजनेस में है, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप कमीशन वाले बिजनेस के अंदर है तो ये जो टाइम है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मशीनरी के बिजनेस में, मशीनरी के सेल परचेज में, गाड़ी के सेल परचेज के अंदर, लैंड के सेल परचेज के अंदर, प्रॉपर्टी डीलर है, तो ये टाइम बेहतर हो जाएगा आपके लिए। गेंट्स में इशूज़ नहीं है। और हाँ, मैं मेन बात दोस्तों बोलो, फोर्थ और दोस्तों होता है लंग्स का। अब दोस्तों जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अब क्योंकि सारा तामझाम दोस्तों आ गया फोर्थ हाउस के अंदर, अब जो स्मोकर को दोस्तों आपके आपके यहाँ पे लंग्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, खांसी जुकाम बहुत तेज, अस्थमेटिक आपको यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि शनि भी इन्वॉल्व है, राहु भी इन्वॉल्व है। तो लंग्स में इशूज़ देखने के, ऑक्सीजन लेवल भी ना आपका नीचे जाए और लंग्स आपके सावरे, तो आपको स्मोकिंग से तो बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ेगा। इस समय स्मोकिंग करेंगे आप तो आपके लिए प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, चाहे वो हुक्का हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग होगी आपकी परेशानी को बढ़ाएगी बहुत ज़्यादा। चलिए, बट फाइनेंशियली और एसेट्स के लिए टाइम बहुत बढ़िया टाइम है ये। चलिए, कैंसर का भी हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर, लियो सिंह फर्स्ट का लॉर्ड है, थर्ड में प्लेस्ड है, नाइन्थ हाउस पर देखिएगा सेवंथ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? आपने बोला नहीं कि ये तो सूर्य का लॉर्ड है, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दोस्तों लियो यानी कि सिंह राशि, सिंह लगन, सूर्य का अपना लगन, दोस्तों राजा अपने महल में ही अगर वीक हो जाएगा तो चीज़ें दोस्तों खराब हो जाती है। किसी देश का प्रधानमंत्री दोस्तों वीक हो जाएगा, किसी देश का प्रधानमंत्री बेड रिडन हो जाएगा, तो उस देश का दोस्तों भविष्य बिल्कुल गर्त में आ जाता है, अंधकार में आ जाते हैं। दोस्तों सिमिलरली सिंह लगन वालों के लिए समझदारी से निकालने वाला टाइम आ गया ये वाला, वो तो यहाँ पे सूर्य जो है वो नीच का हो जाएगा, इनका लॉर्ड ही नीच का हो जाएगा। फर्स्ट का लॉर्ड है दोस्तों, थर्ड हाउस में नीच का हो जाएगा, तो ये और साथ में दोस्तों उसके दुश्मन, परम दुश्मन राहु भी और शनि भी इन्वॉल्व होने की वजह से ये टाइम नेगेटिव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियली मैं कहूँगा ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज मंगल स्ट्रांग है, बाकी गुरु आपका स्ट्रांग है, फिनेंशियल चीज़ स्टेबल है। लेकिन मुझे दोस्तों यहाँ पे फिजिकल डेंट होता हुआ नज़र ज़्यादा आता है, बिकॉज आपका अपनी ही फिजिकल बॉडी आपके थर्ड हाउस के अंदर वो नेगेटिव हो गई। और थर्ड हाउस दोस्तों नाइन्थ हाउस को देखने से, सूर्य फादर, नाइन्थ हाउस फादर ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पापा के लिए भी यहाँ से दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके फादर दोस्तों ड्राइव करके जाते हैं बिजनेस में या जॉब में, तो उनको बोलो ड्राइवर को हायर करें या कुछ और यूज़ करें, कैब यूज़ कर लें, कुछ भी कर लें, आपको खुद भी कैब यूज़ कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्राइवर है तो कोई अलग बात है, बट यहाँ से चोट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और क्योंकि नाइन थाउजेंड वॉल्व है, तो आपकी लोअर बैक, मान लीजिए आप जिम में जाते हो तो हैवी जिमिंग आपने करी, कुछ भी ऐसा काम करा, लोअर बैक में आपको दिक्कत आ जाएगी, हड्डी चटक सकती है, आपके थाइज में आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो ये टाइम बहुत समझदारी के साथ निकालना है। अगर हम 12 के 12 लग्नों की बात करें, कल हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो बताऊंगा, अगर हम 12 के 12 की बात करें, सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों इनका ही हो सकता है। और फिजिकल डेंट की मैं बात करूँ, इनका फिजिकल डेंट होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज शनि और सूर्य राहु के आने की वजह से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान में रखें। और ओवरऑल ट्रैवलिंग अगर हम लोग कम से कम करें, अच्छी बात है, घर में पूरा अपने बिजली का जितना भी कनेक्शन है सब चेक करके चलें। दिवाली आने वाली है, दीपक से क्या कहते हैं मोमबत्ती से, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा समझदारी, लूज़ कपड़े नहीं पहनने हमने जब भी आप कैंडल जलाकर, लेडीज़ हैं तो साड़ी वाड़ी पहन के, इस तरह के लहंगा पहन के ना काम करें उस दिन, प्लीज़ टाइट कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहन के काम करें उस दिन, तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी परेशान कर सकती है आपको। खूब पानी पीना है और खूब हमने क्या कहते हैं ठंडक रहना है, अपने आपको हाइड्रेटेड करके चलना है। लियंस के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आती है यहाँ पे। चलिए, लियो वालों को अपना बहुत ध्यान रखना है, क्रैकर्स दिए मोमबत्ती दिवाली पे सब ध्यान से जलाने और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। मैं एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आ गया थर्ड हाउस के अंदर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, छोटे भाई बहन या सिबलिंग्स के साथ, वो हमें बहुत ध्यान में देखकर चलना है कि सिबलिंग्स के साथ इशूज ना हो हमारे, कि वहाँ पे बेमतलब का लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उनके साथ भी बनाकर चलना। थर्ड हाउस दोस्तों फ्रेंड्स का होता है, तो फ्रेंड सर्कल के साथ कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दिवाली पे कई लोग जुआ खेलते हैं, तो एटलीस्ट खासकर ये जो लोग हैं लियो के जो लोग हैं और स्कॉर्पियंस के जो लोग हैं, इनका सूर्य टेंथ का लॉर्ड बनता है, इज्जत मान मर्यादा का, वो तो प्लीज़ जुए वुए से बचें उस दिन, वरना मान हानि का जो बनता है बैड लक आपको अट्रैक्ट करेगा। तो ये थोड़ा बच के चलना है, नेगेटिव मतलब सरकार से दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। चलिए, सिक्स नंबर वर्गो कन्याज का आखिरी लगना, ट्वेल्थ का लॉर्ड है, सेकंड में प्लेस है, अपने एट्थ हाउस को देखेगा सेवंथ एस्पेक्ट से, तो इनके लिए कैसा रहेगा चेंज? बुध की दूसरी राशि दोस्तों वर्गो यानी कि बुध के मूल त्रिकोण राशि, बुध के दोस्तों मूवमेंट अभी दोस्तों फिलहाल बुध अपने ही साइन में है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दोस्तों 26 तारीख को बुध मूव करके तुला में आ जाएगा, उसकी वीडियो बनाएंगे अलग से, तो इनका फर्स्ट हाउस को वैकेट कर देगा। दोस्तों अभी अगर आप नोटिस करेंगे कन्या राशि के अंदर बुध भी है, शुक्र भी है, और दोस्तों शुक्र 18 तारीख को यानी कि एक दिन बाद
मूव करके अपने साइन में आ जाएगा। तो इन पर दोस्तों गुरु का अभी भी आशीर्वाद चल रहा है दोस्तों। एटलीस्ट ये जो चेंज था कोई ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं था, लेकिन इन पर दोस्तों गुरु का अभी भी एस्पेक्ट चल रहा है दोस्तों, रेट्रोग्रेड गुरु का। तो इन पर मुसीबत अगर आनी भी होगी तो ये गुरु के होने की वजह से वो मुसीबत आएगी, फिल्टर होकर छन कर मुसीबत आएगी, 100% नहीं आएगी। तो अभी भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ बहुत ज़्यादा दोस्तों। यहाँ पे जो सूर्य है वो 12th करोड़ बनते हैं, बट मैंने अभी आपको बताया था कि सूर्य को कई बार बताया आपको, इनफैक्ट 12th, 6th और 8th का जो दोष होता है, 8th की जो नेगेटिविटी होती है एज़ पर पराशर साहब, वो पराशर जी जो हैं दोस्तों उनके हिसाब से 6th, 8th और 12th की नेगेटिविटी नहीं मिलती, बिकॉज ये लगन है, चंद्रमा भी लगन है दोस्तों, सूर्य भी लगन है। हाँ, बाकी सब प्लैनेट को दोस्तों 12th, 6th और 8th की नेगेटिविटी मिलती है, इनको नहीं मिलती। अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर दोस्तों सेकंड हाउस में आ गया, सेकंड हाउस दोस्तों वेल्थ का हो जाता है, सेकंड हाउस दोस्तों कम्युनिकेशन का होता है, सेकंड हाउस आपके 10th का 5th हाउस बन जाते हैं, पापा का 7th हाउस बनने से पापा का केंद्र बन जाता है, मम्मी का गेंस वाला हाउस बन जाता है। तो चीज़ें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपके लॉकर को डिनोट करता है ये। तो यहाँ पे सूर्य का आना, ग्रहों का राजा का आना, आपके लॉकर को बड़ा कर देता है, आपकी सेविंग्स को बढ़ा देते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं, मम्मी के गेंस को बढ़ाते हैं, पापा के लिए भी अच्छा काम कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नीच का भी हो गया, ना सिर्फ नीच का हो गया बल्कि राहू भी आ गया, साथ में शनि भी आ गया। नीच भंग मिलेगा, गेंस बढ़ेंगे, सेविंग बढ़ेगी, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, मम्मी से गेंस मिलेंगे आपको, सब कुछ होगा। लेकिन दोस्तों अब नीच का प्लैनेट है दोस्तों, हमेशा बताता हूँ पैसा देगा, लेकिन आपकी हेल्थ में अपना जो साइड इफेक्ट है वो डालेगा ही डालेगा। और क्योंकि दोस्तों सेकंड हाउस होता है आपके थ्रोट का, आपके गले का, आपके टंग का, आपके दांतों का, आपके मसूड़ों का, वहाँ सब इश्यूज आते हैं दोस्तों। सेकंड हाउस आपके राइट आई को डिनोट करता है, राइट आई में इशूज आ सकते हैं। मम्मी का 11th हाउस बन तो मम्मी की टांगों में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, तो मम्मी की टांगों का भी देखना है कि उनको स्लिप ना हो जाए, उनको ऑलरेडी चलने में इशूज थे, चल फिर नहीं सकती, तो वो चीज़ें यहाँ से थोड़ी सी खराब हो सकती है। फादर का 7th हाउस बना, पापा का 7th हाउस बना, तो पापा का लोअर बैक, मिडल बॉडी वो डेंट ले सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में देके चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपके सिबलिंग्स का 12th हाउस बना, यानी कि खर्चा वाला घर बना आपके छोटे भाई बहनों का या भाई बहनों का, तो भाई बहनों का खर्चा बनने से उनके ऊपर कोई खर्चा ना हो, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ा सा सेफ हो, आपके मुझे मेजर इशू नज़र नहीं आते। लेकिन हाँ, आपके रिलेशन में जो है, चाहे वो आपके पापा हो, आपके मम्मी हो या आपके सिबलिंग हो, उनके फैमिली में इशू ना, बाकी खर्चे वाला टाइम ठीक है। अब मैं एक सलाह दूंगा दोस्तों को कि 12th का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, सेविंग्स यहाँ से कम हो जाती हैं। तो मैं चाहूँगा आप जो खर्चे तो होने ही हैं आपके, खर्चे तो आपके अब आपके डेस्टिनी में है खर्चे, तो क्यों ना हम खर्चों को डाइवर्ट करके अच्छा खर्चा कर लें, इन्वेस्टमेंट कर लें, गोल्ड ले लें, गोल्ड बार ले लें, ज्वेलरी परचेज कर लें। अब दिवाली आ रही है, चांदी के हम चाहे तो लक्ष्मी गणेश जी ले लें, कुछ भी कर लें ऐसा, तो कुछ भी करें, लेकिन वो खर्चों को डाइवर्ट करके आप कुछ परचेज करना चाहते हो, मोबाइल लेना चाह रहे थे मोबाइल ले लो, लैपटॉप लेना चाहते हो, आईपैड लेना चाहते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं दिवाली पे आप ले सकते हो। जैसे घर में वॉशिंग मशीन लेके आना था, एसी लेके आना था, अपने हीटर लगाना था, कुछ भी एक्सपायर्ड, तो ये राइट टाइम है, खर्चा तो होना ही है, अच्छे काम पे कर लो। बिल्कुल, घर में हाँ एलईडी टीवी लेना चाह रहे थे, फर्नीचर नया लेके आना चाहते थे, खर्चा कर लो ताकि नेगेटिव खर्चा डाइवर्ट होकर पॉजिटिव में आ जाए, वो खर्चा तो होना ही होना है। बट ओवरऑल ठीक है, शुक्र आपका सेकंड हाउस में आ जाएगा अगले दिन, तो चीजें बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी। चलिए फ्रेंड्स, ये तो होगी 6 लग्नों की बातें, एरिस मेष से लेकर वर्गो कन्या तक पार्ट 1, कलम बनाएंगे पार्ट 2, रेमेडीज उसमें बात बिल्कुल, लिब्रा तुला से लेकर पाइसिस मीन तक रेमेडी में उसी में बताएंगे। और कोई ये तो है जनरल, अगर कोई जानना चाहे पर्सनली तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कुछ समय। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं कल पार्ट 2 वीडियो में। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।